بسم الله الرحمن الرحيم. ये सवाल बहुत से हजरत पूछते हैं, बार बार पूछते हैं कि क्या मियाँ बीवी का एक साथ गुसल करना जायज़ है, मियाँ बीवी एक साथ गुसल कर सकते हैं या नहीं। तो इसका जवाब है, पूरी वीडियो देखे मैं बताता हूँ, जवाब ये है मियाँ बीवी का एक साथ गुसल कर सकते हैं, एक दूसरे की शर्मगाह पर नज़र पड़ने से वजू टूट जाता है, क्या इसको देख सकते हैं। और फिर कहते हैं कि शीशे के सामने हम बिस्तरी कर सकते हैं। तीनों सवालों का जवाब मैं अभी बताता हूँ। आप लोग वीडियो पूरा देखें और आने वाले वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी कर दें। मियाँ बीवी एक साथ नहा सकते हैं और इनके लिए एक दूसरे सारे बदन को देखना जायज है, शरान ममानियत नहीं, अलबत्त शर्मगाह की तरफ देखना खिलाफ अदब है। क्या है? खिलाफ अदब है, लेकिन देख सकते हैं खिलाफ अदब है और नापसंदीदा है। जैसा कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ही बर्तन से गुस्ल किया करती थी, आप मुझ पर सबकत फरमाते तो मैं कहती मुझे भी पानी दीजिए, मुझे भी दीजिए। एक और रिवायत में है, वो फरमाती है कि नहाते वक़्त मेरा और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ बर्तन से पानी लेने में आगे पीछे होता था। यहाँ से इशारा होता है कि वो एक दूसरे को नहीं देखते थे, सही है। और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ही फरमाती है कि न तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मेरे सतर की तरफ देखा और न ही मैंने कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सतर की तरफ देखा, इससे वजू नहीं टूटता। दूसरे सवाल का जवाब यह है, इससे वजू नहीं टूटता, जायज़ है। फ़कत वल्लाहु आलम। फतवा नंबर ये है 14 41 072 00 997, दारुल इफ्ता जानिया उलूम इस्लामिया, अलामा मोहम्मद यूसुफ बिन ओरी टाउन।